हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज फिलहाल अभी का टाइम है 7 बज रहे हैं और फिलहाल मैं नहा धो के आया हूँ। तो आज जा रहे हैं हम सीढ़ माता के, जो चाकसू में है ना, रास्ता में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है गाइज, वो जो माता माई का मंदिर है। तो गाइज वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर जाने का वजह एक, बट क्या जो भी रास्ता में आया हुआ ना लंपी वायरस वाला, तो लंपी वायरस ना जानवरों में आया हुआ है, बट जो गायें हैं ना गायों में मतलब वो हो जाती हैं एलर्जी एक तरह से। तो उस वजह से वहाँ पे जाएंगे हम, सपड़ाव लेके आएंगे। गाइस क्या ना, वहाँ पे जो माता है ना वहाँ पे उस सपड़ाव लगाते हैं ना, तो बहुत काम करती है मतलब। तो फिलहाल वहाँ चलते हैं और आपको बताएंगे, फिर लंपी वायरस की पूरी जानकारी बताएंगे आपको। तो आप बने रहिए व्लॉग में, पहले मंदिर में और चलेंगे फिलहाल ऊपर दर्शन करेंगे, तो आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए व्लॉग में। ये कुछ यहाँ से सीढ़ियाँ है ऊपर जाने की, तो हम चलते हैं प्रसाद लेके और लेके आए हूँ आखा का। तो आज आखा लेके आए, इनको रखते हैं यहीं पे और पानी भरते हैं यहाँ पे। तो गाइस फिलहाल हम आ चुके हैं यहाँ पे और देखो पीछे भीड़ हो रखी है, बट क्या इसको दो रही ना, देखो पानी पानी हो रहा है आज। तो गाइस फिलहाल यहाँ क्या ना, देख धुलाई चल रही है यहाँ पे आज, क्या ना दोज है ना, बेरो दिख दोज भी यार, वैसे आज है ना भीड़ ज़्यादा हो रखी है। देखो वो भैया है वहाँ पे अगरबत्ती लगा रहे हैं फिलहाल, तो फिर चलेंगे यहाँ पे सफाई हो जाए। और फिलहाल यहाँ से व्यू देखो बहुत अच्छा आ रहा है। जल चढ़ाने के लिए और फिलहाल देखो यहाँ का सीन ऐसा है, यहाँ पे धुलाई जल रही है अभी, क्या ना आज भीड़ है ना उस वजह से। तो चलते हैं जल चढ़ाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, दिखाते हैं आपको। स्पीड ही खतरनाक आ रही है। दूध दही। तो गाइस यहाँ से ले रहे हैं सपड़ा वो। तो गाइस आपको दिखाएंगे लांगड़ बाबा जी, जय हो भैरू बाबा। तो गाइस ये धर्मशाला देखो कितनी अच्छी बनी हुई है, हवा लगती है इधर से मस्त मस्त। देखो गाइस ये देखो यहाँ से सीन आ रहा है बढ़िया। और उधर मंदिर है देखिए आप, वो वहाँ पे है मंदिर, मेन मंदिर उधर है। हम तो क्या इधर धर्मशाला में घूमने आ गए वैसे। तो गाइज हम जा रहे हैं वापस घर रिटर्न, बट क्या आज भैरव जी की दोज में ना, तो वहाँ भी काम है हमको, तो चलेंगे घर मिलेंगे वापस। फिलहाल घूम लिया इधर सीढ़ माता का मंदिर था। तो गाइस देखो छत के ऊपर भी घास उग रही है इधर, देखिए आप। तो गाइस फिलहाल हम आए हैं हमारे भैरव जी महाराज के, आज दोज है ना, तो यहाँ पे चल रही है सफाई पाई, तो यहाँ पे सफाई पाई करेंगे आज। फिलहाल आज प्रोग्राम है भैरव जी महाराज का, तो मैं सीढ़ माता से आ गया था, तो घर जाके सपड़ा उग रहे मतलब जानवरों के, फिर यहाँ आ गया मैं।
तो फिलहाल यहाँ करेंगे सफाई भाई, और सफाई करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। तो आज बोरिंग से पानी भर रहे हैं बाल्टियों से, और वहाँ ले जाके धोएंगे। देखो फिलहाल तो है हमारे बेर जुमराज के मंदिर, फिलहाल यहाँ पे आज दो है ना, तो अरे एक को तो उठा ज़्यादा यार ना, एक को मेरे को लेके जाना पड़ा। गए देखो बोले एक एक के लेके गया, अब एक को लेके चलते, चलो धोते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फिलहाल काटते हैं मिर्ची, इतनी सारी मिर्ची है कटिंग करनी है, फिलहाल इतनी सारी कटिंग कर लिया, तो मिर्ची काटते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। बट क्या ना सब्जी बनानी है तो फिर बनाते हैं। तो गाइस फिलहाल हमने काट के रख दी है मिर्ची, इसकी बनेगी सब्जी टरपोले। और फिलहाल फिलहाल इधर बन चुका है हमारा हलवा, देखो ये भी मैंने बनाया। तो गाइस ना बहुत मस्त खुशबू आ रही, देखो जिसको खाना है आ जाओ, अलग ही खुशबू। तो गाइस फिलहाल आज का मौसम देखो ऐसा हो रखा है, मैं जा रहा हूँ इधर खेतों में घूमने, ये हमारा रास्ता है फिलहाल, तो चलते हैं घूम के आते हैं। बट क्या ना दिन भर से लाइट नहीं आ रही, पोपटी पोपट हो रहा है। मतलब कल तो लाइट को सही करके, कल भी गाइस लाइट हो गई थी ना, तो पता नहीं वहाँ से ठीक है, लेकिन आज सारे दिन की लाइट नहीं आ रही। अभी 3 बजे से लाइट गई हुई है, अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 7 बज रहे हैं। और देखो इधर तो ना हमारे खेतों में मोर ही मोर दिखेंगे आपको, देखो वो सामने हमारे घर है फिलहाल, और मोर। तो गाइस आज का मौसम ऐसा हो रखा है, तो हमारे दादा दादी पहले के ज़माने के लोग बोलते हैं ना कि ऐसा मौसम होता है ना, या तो बारिश आने का संकेत होता है या फिर बारिश चली जाती है, मतलब हमेशा के लिए बारिश चली जाती है ना, आती है तो बस ऐसे वैसे आती है, पर देखते हैं कैसी ना बारिश आती है नहीं आती है। तो गाइस फिलहाल एक सीन ऐसा है, फिलहाल मैं खाना खा के अपने रूम में आया हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। तो क्या दिन में टाइम नहीं मिला, पता नहीं टाइम कब निकल गया, पता नहीं चला गया, मेहमान आए ना, तो उस वजह से। तो अब फिलहाल व्लॉग करते हैं एंड, आई होप आपको पसंद आएगा व्लॉग, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो फॉर वॉचिंग, बाय बाय।